हे एवरीवन, आई नो तुम लोगों ने अभी तक मेरा हॉस्टल रूम नहीं देखा, तो मैं आज तुम लोगों को दिखाती हूँ अपना हॉस्टल रूम। एंड अगर तुम लोगों को बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रही है, आई एम रियली सॉरी। हॉस्टल है तो लोग बात करते रहते हैं, तो आवाज भी आती रहती है। तो या मेरा एक्चुअली ट्रिपल सीटर रूम है, ये है तीन कबर्ड अलमारी ऑब्वियसली, और काफ़ी सारी विंडोज है इस रूम में, और तीन बेड है, ये और ये वाला तो शायद थोड़ा बड़ा लग रहा होगा। एक्चुअली बेडशीट मैंने पूरी बिछाई हुई है इसमें, तो किस तरह से बड़ा लग सकता है। और काफ़ी ज़्यादा हुक्स है कपड़े टांगने के लिए, और पूरी जगह पे मेरे कपड़े ही टंगे हुए हैं। एंड यहाँ थोड़ा सा मेरा सामान पड़ा हुआ है। वहाँ पे एक्चुअली एक टेबल है, या वो रही टेबल, और तीन चेयर्स हैं, या है वन टू जिसमें मैंने सामान रखा हुआ है, एंड दैट वन थ्री। तो या यही कुछ है, ऐसा मेरा रूम है। एंड या दैट्स इट। सो अब इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। ऐसे ही है मेरा रूम, और कुछ खास नहीं है। ऊपर भी थोड़ा सा इन्होंने सामान रखने के लिए दिया हुआ है स्पेस, और दिख रहा होगा पहली तो है। वहाँ मेरे रूम में दो छिपकली भी है, जो रात में ऊपर ऐसे सीलिंग पे घूमती है और टकरा कर बेड पे गिर जाती हैं। एक बार तो उसके ऊपर भी गिर गई थी, वो जो ऊपर बना हुआ। तो यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है मुझे, दैट्स इट। बाकी यहाँ पे हाँ एक रैक भी है जिसमें सामान रखा जा सकता है। वो मेरी बुक नहीं है, मेरी रूममेट की बुक्स है। पहले मेरी रूममेट भी थी, बट उसे हॉस्टल कहीं और मिल गया तो वहाँ शिफ्ट हो गई वो। अभी ये मेरा प्राइवेट हॉस्टल है BHU के अंदर, मुझे अभी हॉस्टल नहीं मिला है। दैट्स इट। सो या यही कुछ है ऐसा मेरा रूम। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। मैं तुम सबसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट योर फेवरेट पार्ट एज वेल। दैट्स इट। सो मैं तुम सबसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।